इन 28 विधानसभाओं के उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव की प्रबंध समिति है वो लगातार अपने काम में लगी है और प्रबंध समिति ने वो बेहतर काम करते हुए पूरे इस चुनाव में, चाहे वो बूथ के सम्मेलन हो, मंडल के सम्मेलन हो, सेक्टर के हमारे सम्मेलन हो, ऐसे एक नहीं, इस पूरे अभियान को ज़मीन पर उतारने का काम प्रबंध समिति के माध्यम से सभी विधानसभाओं में बूथ स्तर पर उन सारी चीज़ों को ले जाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और इसी दृष्टि से 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, यानी 26 विजयादशमी का जो पर्व है, कहीं आज है कहीं कल से है, तो विजयादशमी से विजयादशमी के पर्व से विजय जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, भूपेंद्र जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी से लेकर हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर विजय जनसंपर्क अभियान में 26 तारीख से, जो विजयादशमी के पर्व से प्रारंभ होगा और ये 1 तारीख तक चलेगा, तो इसमें प्रत्येक बूथ पर नीचे जाना सभी कार्यकर्ता का, माना कि 350 बूथ है एक विधानसभा में, तो 350 बूथों की तैयारी नीचे उतरने की हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता पूरे इन 28 विधानसभाओं में बूथों पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान करेंगे। विजय जनसंपर्क अभियान की कल शुरुआत हम लोग रायसेन से करेंगे, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस विजय जनसंपर्क अभियान में जमीन पर उतर के बूथ बूथ पर जाएंगे। 28 तारीख को जो 2800 विधानसभाओं के हमारे संकल्प पत्र हैं, विधानसभाओं में ही 28 के 28 जो हमारे संकल्प पत्र हैं, उन संकल्प पत्रों को भी जारी करने का काम 28 तारीख को 28 विधानसभाओं में होगा। तो ऐसे इस चुनाव में खास तौर पर विजय जनसंपर्क अभियान, जो विजयादशमी के पर्व से प्रारंभ होगा और संकल्प पत्र सभी विधानसभाओं में जारी होंगे, ये हमारी चुनाव प्रबंध समिति ने अभी इन सारी चीज़ों को तय किया है और ज़मीन पर हम बहुत पहले उतरे हैं और जो नीचे तक जाने का काम इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करेगी।